कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीएम योगी को हिंदुत्व और मजबूत कानून व्यवस्था के तौर पर फेस बनाकर प्रचार तो खूब कराया, लेकिन अभी एनालिसिस बेहद जरूरी है कि चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा मांग के बाद योगी का कितना प्रभाव रहा, वो भी खास तौर पर उन जगहों पर जहां उन्होंने प्रचार किया। हालांकि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों में व्यस्तता के कारण सीएम योगी आदित्यनाथ केवल दो दिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे, 9 विधानसभा को कवर किया, लेकिन स्टार प्रचारक यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ 2 सीटों पर उम्मीदवारों को जीत दिलाने में कामयाब हो पाए। 7 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की इस बड़ी हार के पीछे का कारण उत्तर बनाम दक्षिण किया जाना माना जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मैदान में 30 अप्रैल और 6 मई को अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 30 अप्रैल को उन्होंने 4 विधानसभा सीटों पर रैली की। 6 मई को उन्होंने 5 विधानसभा क्षेत्रों में रैली और रोड शो किया। जिन 9 विधानसभा क्षेत्रों में योगी पहुंचे, उनमें से केवल 2 पर बीजेपी को जीत मिली। बची 7 सीटों में से 6 पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। वहीं एक सीट कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के खाते में गई। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि देश में उत्तर बनाम दक्षिण के मुद्दे का असर चुनाव में दिखा है। कानून व्यवस्था को लेकर योगी भले देश भर में पॉपुलर हो रहे हों, लेकिन कर्नाटक में यह बेअसर रहा। कर्नाटक चुनाव में जातिगत आरक्षण का मुद्दा भी हिंदुत्व पर भारी पड़ गया। इसके अलावा पार्टी में अंतर कलह से निपटने में भी शीर्ष नेतृत्व सफल नहीं हो पाया। परिवारवाद, भ्रष्टाचार के आरोपों को भाजपा काट नहीं पाई। योगी का चेहरा और ध्रुवीकरण का प्रयास इस कारण सफल होता नहीं दिखा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक चुनाव में मांड्या से अपने प्रचार अभियान का आगाज किया था। यहाँ वोक्कालिंगा समुदाय अधिक संख्या में है। गोरखनाथ मंदिर और मांड्या में आदि चुनचुनागिरी मठ को मानने वालों में काफी समानता दिखती है। वोक्कालिंगा समुदाय से आने वाले लोग नाथ पंथ की परंपराओं को भी मानते हैं। हालांकि इन तमाम समानताओं के बाद भी योगी उस स्तर पर सफल नहीं रहे। सीएम योगी ने दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, विजयपुरा, चिकमंगलुरु, कोप्पल, रायचूर और कालाबुर्गी में रैली की। चिकमंगलुरु में 4 बार के विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि को उनके प्रचार के बाद भी 5,926 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। सीएम योगी के प्रचार वाले रायचूर में बीजेपी के डॉक्टर शिवराज पाटिल ने जीत दर्ज की। उन्होंने 3,732 वोटों से चुनाव में जीत दर्ज की। हालांकि सीएम योगी के प्रचार के बाद भी कलबुर्गी जिले में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। कलबुर्गी रूरल सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस क्षेत्र में सीएम योगी की रैली के बाद कहा था कि यूपी के सीएम का बुलडोजर यहां के आम लोगों पर भी चलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान ने योगी के प्रभाव को कम किया। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी महज 65 सीटों पर सिमटी, वहीं कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। जनता दल सेकुलर को 20 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं।